हेलो दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपने लिए करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो और एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ कंसर्न SHO, अगर आपके पास रिपोर्ट है कंसर्न SHO की, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट में आप इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो जो इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। देन उसके बाद आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आके टाइप कर लेना है जन सुगम। आपके पास पहली ही साइट ओपन होकर के आ जाएगी www.jansugam.jk.gov.in, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपके पास मेरी पहचान का पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके साइन इन कर लें। आपके पास यूजर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ साइन अप फॉर मेरी पहचान पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे जो है आपने फर्स्ट नेम इंटर कर लेना है, यहाँ पे लास्ट नेम इंटर कर लेना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपने जेंडर चूज कर लेना है। यहाँ पे जो है आपको एक यूज़र आईडी बना लेना है। यूज़र आईडी जो आपका यूनिक होना चाहिए, जिसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल कुछ वर्ड लगा के आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, पासवर्ड जो स्क्रीन पे शो हो रहा है इस तरह से आपको पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने कंसेंट पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक कर लेना। इस तरह से आपका एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपने अब साइन इन कर लेना। आप यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन इन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेक्शन में यूज़र नेम इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद कंसेंट पर क्लिक करके साइन इन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर से साइन इन करना चाहते हो तो यहाँ मोबाइल नंबर वाले सेक्शन पे मोबाइल नंबर आपने इंटर कर लेना, पासवर्ड इंटर कर लेना और साइन इन कर लेना। और अगर आप मेल आईडी से इंटर करना चाहते हो तो आप अदर वाले सेक्शन पे मेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके साइन इन करोगे। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर कर लेते हो उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी होगी आपको। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP इंटर कर लेना। उसके बाद आपके पास मेरी पहचान किस तरह से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और J&K UT सर्विसेज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो सर्विसेज प्लस का आइकन आएगा इस पर आपने क्लिक कर लेना और एक्सेस नो पे क्लिक कर लेना। एक न्यू टैब ओपन होगी और वहाँ पे आपके पास जन सुगम का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर लेना और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च बार में आपको आ जाना और यहाँ पे टाइप कर लेना है करेक्टर। इस तरह से जो है आपके पास सर्विस नाम में एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा और इसका जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के थ्रू आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगी। इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। बाद यहाँ पे आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है और यहाँ पे आपने अपनी सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील को चूज कर लेना, जो भी तहसील है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम फिल कर लेना है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो साइकिल पे क्लिक करके। और यहाँ पे आपने फादर नेम फिल कर लेना है और अपना एड्रेस फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। ईमेल आईडी जो आप बिल्कुल एक्यूरेट फिल करेंगे, जो इसकी PDF है वो आपको ईमेल में ही आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको पहले पूछा जाएगा कि आप अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को रैपिड असेसमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फीडबैक के लिए शेयर करना चाहते हैं। अगर आप शेयर करना चाहते हैं यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने कंसेंट देनी है और यहाँ पे जो है आपने अपना कैप्चा फिल कर लेना है, जो ऊपर कैप्चा शो होगा वो आपने यहाँ सेम फिल कर लेना। उसके बाद आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। यानी अगर आपका लैपटॉप वगैरह स्विच ऑफ हो जाता है या मोबाइल, तो आपकी एप्लीकेशन वहीं से दोबारा से स्टार्ट होगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर लेना है।
सबमिट करने के बाद आपके पास आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिटेल को रीचेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपकी डिटेल गलत है तो यहाँ आप नीचे एडिट के ऑप्शन पे आके आप अपनी डिटेल को दोबारा से एडिट कर सकते हो। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पे आपने अटैच एन एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप देख सकते हो कि वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट में से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आप वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी, इन डॉक्यूमेंट में से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ कंसर्न एसएचओ मैंडेटरी नहीं है, अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ रिपोर्ट ऑफ कंसर्न एसएचओ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो एसएचओ की रिपोर्ट यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे। एंड अदर डॉक्यूमेंट में अगर आप और भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, यहाँ अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का आप नाम देंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एन एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल अगर एडिट करना चाहते हो, यहाँ से आप अपने आधार कार्ड यानी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड हुआ है। अगर आपको सभी डिटेल सही लगे तो यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ सबमिशन जो है आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, तो आपको मेल के थ्रू वो मेल करते रहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है वो आपको मेल में आता रहेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको मेल में करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगी, उसका पीडीएफ वहाँ से आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना। सो ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।